जय बोलने का एक मिनट अंदर जाना था। ना 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 यहीं बैठ देंगे जी, यहीं बैठ देंगे। एक मिनट मित्रों, आज मेरा कार्यक्रम वैसे तो सोनीपत एक मिनट जी सोनीपत जाने का मेरा कार्यक्रम है, लेकिन मेरे पास कर दिया कर कुछ समय था, तो उस नाते से कुछ विशेष प्रकार के जो प्रोजेक्ट हमने पिछले साल दो साल में शुरू कराए हैं, खास करके जैसा हम देखते हैं संस्कृति मॉडल स्कूल हरियाणा में 138 संस्कृति मॉडल स्कूल इस बार जो पढ़ाई अपनी शुरू कर दी है उन्होंने, तो उनमें से कुछ स्कूल देखे जाए जहाँ हम खड़े हैं। ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल है घुरुंडा का। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब मैंने आके देखी है, बाकी भी जानकारियाँ यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय उनसे मिली हैं। CBSE के एफिलेटेड स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई इनकी होती है। टीचर्स का लेवल भी बाकी सबसे भिन्न है, यहाँ थोड़ी फीस भी हमने रखी है, तो इसकी डिमांड बहुत बन गई है, इसलिए इसका विस्तार कैसे किया जाए इस पर विचार करेंगे। सर, आज अशोक तंवर आम आदमी पार्टी जी 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 सर, आपने वहाँ भी दौरा किया जो जी 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 सर पहला जी 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 सुन जाओ एक मिनट कुछ हमको बोलने दिया करो, आप ही लोग हमारे मुंह में डालोगे जी सर। दूसरे तरह का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं जो हमने व्यायामशालाएँ योगशालाएँ ये शुरू की हैं गांव-गांव में, लगभग 650 गांव में योगशालाएँ चालू हुई हैं। आज उसमें से भी एक व्यायामशाला में देख के आया, आप भी लोग वहाँ थे, तो वहाँ योगा का एक शेड है, वहाँ पर पूरा खुला मैदान है, सुबह शाम बच्चे लड़के नौजवान साथी सब घूमने दौड़ने अपना खेल खेलने के लिए आते हैं। एक सुझाव वहाँ से आया है कि वहाँ भी एक परमानेंट योग शिक्षक ये होना चाहिए, उसके लिए हम अगले इस समय में 1000 योग शिक्षक नए भर्ती कर रहे हैं। ऐसे सब योगशालाएँ जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ एक योग शिक्षक पहुँचाया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा जो वेलनेस सेंटर्स है, देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन किया था, संयोग से हरियाणा के 20 वेलनेस सेंटर्स उन्होंने शुरू किए थे। अभी भी बहुत दो प्रकार के वेलनेस सेंटर्स हैं, आधे PHCs के साथ जुड़े हुए जो एलोपैथी के साथ जुड़े हैं, और आधे ऐसे जो आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तव में तो वेलनेस सेंटर्स आयुर्वेद के साथ ही जुड़ने चाहिए, प्रिवेंटिव एक प्रकार की केयर के लो व्यक्ति बीमार ना हो, उसमें योगा भी है आयुर्वेद भी है यूनानी भी। कहीं सॉइल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, एक तरफ पानी हमसे वो मांग रहे हैं, जो मांगेंगे तो पानी हमको देंगे तो मांगेंगे, दूसरे तरफ वो देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस विषय को नहीं छेड़ रहे। हिंदी भाषी इलाका 400 से ऊपर गांव, जो कई आयोग ये कह चुके हैं कि अगर इन समस्याओं का हल करना है तो पंजाब को पहले यह करना पड़ेगा, वो गांव देने की बात करते हैं। फिर बात चंडीगढ़ की आती है, और चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठ करके रिजॉल्व करने का है, यूनिलेटरली ऐसा कोई असेंबली में पास करने का है इस प्रकार का नहीं है। आते ही सत्ता आए हुए 4 दिन नहीं हुए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को उठाना, मुझे लगता है ज़रूर इसमें कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है, और छुपे मकसद को जनता समझेगी, खास करके पंजाब की जनता ज़रूर समझेगी, और उनके इस प्रकार के मकसद को कभी पूरा होने नहीं देंगे। चंडीगढ़ पंजाब की हरियाणा की दोनों की राजधानी पहले भी थी आज भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कुर्बानी दे देंगे चंडीगढ़ के लिए, कल का है। पूरा प्रदेश की जनता, सत्ता के सब लोग, चाहे विपक्ष के हैं चाहे पक्ष के हैं, सब इस मामले में एक हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, देखिए हमने शिक्षा में बहुत जो जिसको कहना चाहिए बजट भी हमने बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा किया है, केवल अध्यापकों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन अब नए प्रकार जो शिक्षा के हमारे आ रहे हैं, खास करके जैसे मैंने बताया संस्कृति मॉडल स्कूल गांव में भी खुल रहे हैं शहरों में भी खुल रहे हैं, ऐसा नहीं केवल शहरों में गाँव में सब जगह हैं, इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। टीचर्स का लेवल ये भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए इस वर्ष में जो पिछला वर्ष है 2.5 लाख बच्चे यानी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें संख्या बढ़ी है। बढ़ी इसलिए है कि हमारा शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा है। ये जो बहकावे का विषय चल रहा है ना, हमने सब स्कूल देखे हैं, चाहे वो दिल्ली के हों हरियाणा के हों पंजाब के हों, सब देखे हैं। आज जो हरियाणा में आप जिस स्कूल में खड़े हैं आप इसी को देख लीजिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, चाहे पढ़ाई के नाते, चाहे बच्चों के नाते, हर दृष्टि में सबसे आगे है। इसलिए केवल चीज़ों को हो हुआ खड़ा करना ये उचित नहीं है। हम शिक्षा पर पूरा ध्यान दिए हुए, हमारे रिजल्ट्स ये ठीक है, पीछे 2 साल कोरोना के गए हैं, कोरोना में पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है बच्चों की, क्योंकि सब बच्चे शिक्षा को घर में बैठे हुए ऑनलाइन ले रहे थे,
इस बार हमने उनको टैब भी उपलब्ध कराए हैं, 5 लाख टैब हम 11वीं 12वीं और 10वीं को भी ये देने जा रहे हैं। इस बार पूरा साल भर वो टैब से टैबलेट से पढ़ाई करेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक का बहुत महत्व बढ़ गया है, IT की शिक्षा